हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल। ओके, एंड आज का हमारा लेक्चर है वर्किंग विद पाइथन। हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने दो मोड्स पढ़े थे, स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कीवर्ड्स। पाइथन के कीवर्ड्स, कीवर्ड्स होते क्या हैं बेसिकली। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि व्हाट इज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स विच मीनिंग्स इज ऑलरेडी नोन बाय पाइथन्स इंटरप्रेटर। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं उसको। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स, ईच कीवर्ड हैज़ ए स्पेसिफिक मीनिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटर एज पाइथन इज केस सेंसिटिव। अच्छा, यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब भी हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है दैट इज़ कैपिटल ए इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। ओके, इज नॉट इक्वल टू, नॉट कैसे लिखते हैं, अब हम बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं नॉट। कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नॉट इस तरीके से लिखते हैं। ओके, नॉट इक्वल टू स्मॉल ए। ओके, नॉट का सिंबल अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप सिंबल देखना चाहते हैं, जो नॉट का बेसिकली आप लोग कॉपीज़ में या अपने नोटबुक्स में नॉट का सिंबल बनाते हैं, वो भी हमारे पास है यहाँ पर। MS Word में अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो सिंबल्स में आपको यहाँ पर एक नॉट का सिंबल मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल A। ओके, ये अच्छे से ये बात याद रखेंगे आप लोग, कैपिटल A इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल A। तो इसका मतलब है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है वो, जब हमारे लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलग अलग ट्रीट हो रहे हैं। कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग ट्रीट हो रहा है तो वो लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। बट अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए सेम ट्रीट हो रहा है, वो दोनों ए ही कंसीडर किए जा रहे हैं, तो फिर वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। हालांकि ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जो केस सेंसिटिव ना हो। ओके, सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन हो गई। और केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि कैपिटल ए और स्मॉल ए अपना एक मीनिंग, अलग मीनिंग रखते हैं और वो दोनों एक से ट्रीट नहीं किए जाते। कीवर्ड मस्ट बी रिटन एग्जैक्टली एज गिवन इन टेबल। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल्स कीवर्ड्स के दिए हैं, सिर्फ यही नहीं है और भी कीवर्ड्स हैं। ओके, और भी कीवर्ड्स हम लोगों के पास मौजूद हैं जो पाइथन में हैं। ओके, सो इस टेबल में जितने कीवर्ड्स दे रखे हैं सिर्फ यही नहीं है, और भी पाइथन में कीवर्ड्स हैं। बट लिखने का तरीका, अगर आप इनमें से भी कोई भी टेबल में देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपको फॉल्स यूज़ करना है या क्लास यूज़ करना है या नन यूज़ करना है या कंटिन्यू यूज़ करना है, तो आप फॉल्स का एफ अगर कैपिटल है तो जब आप यूज़ करेंगे तब भी वो कैपिटल ही बनाएंगे। अगर आपने स्मॉल बना दिया फॉल्स का एफ तो वो रॉन्ग है। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने देखिए प्रिंट करे थे कुछ स्टेटमेंट्स। ओके, स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल सेम्स और रामपुर यूपी, अगर हम इस प्रिंट का पी कैपिटल कर देंगे तो देख लीजिए ये रॉन्ग है। अब मैं काम करता हूँ, मैं एक पी कैपिटल कर देता हूँ और फिर हम रन करते हैं प्रोग्राम को। देखिए, हमने रन करा तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग था वो हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो गया, सेकेंड वाला भी हो गया, बट थर्ड वाला जो स्ट्रिंग था जिसमें हमने रामपुर यूपी लिखा था वो क्या है, क्या आ रहा है, नेम एरर, ये एरर दे रहा है। क्या है, प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, जबकि प्रिंट लिखा है हमने, पी हमने कैपिटल कर दिया, दैट्स वाई वो ऑलरेडी डिफाइंड उसमें नहीं है, उसकी कोई भी डेफिनेशन वो उसने फाइंड नहीं करी, दैट्स वाई उसका मीनिंग हमारा इंटरप्रेटर नहीं जानता और उसने एक एरर को जनरेट कर दिया। ओके, सो केस सेंसिटिव होने का मतलब यही है कि जो स्टेटमेंट्स, जो फंक्शन नेम्स, जो वेरिएबल्स नेम, जो कीवर्ड्स, जिस फॉर्म में, जिस चाहे वो स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखने हैं, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है। हालांकि ज़्यादा कैपिटल में नहीं है, सारे ज़्यादातर स्मॉल में ही है, बस ट्रू फॉल्स और नन इनके जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में, इसके अलावा कोई भी कीवर्ड्स एक्सेप्शनल अलग से हैं, लेकिन सारे कीवर्ड्स ज़्यादातर स्मॉल केस में ही होते हैं। ओके, तो पाइथन के ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आगे। ओके, उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, फंक्शन और अदर एंटिटी इन ए प्रोग्राम। द रूल ऑफ नेमिंग इन एन आइडेंटिफायर इज पाइथन आर एज फॉलोज। ये मैं पढ़, आप लोग खुद लीजिएगा इसको, या फिर मैं चलें एक एक पॉइंट को मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं। आइडेंटिफायर्स
कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़र के थ्रू बनाए जाएं कि जो प्रोग्राम में आइडेंटिफाई हो जाए ईज़िली, हमारा इंटरप्रेटर उसे समझ सके कि वो क्या है। जैसे कि वेरिएबल्स, सबसे पहला उसका एग्जांपल है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज़ द नेम ऑफ एन मेमोरी लोकेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया ए, हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। ए में हमने असाइन करा दिया 6, हमने बी बनाया और बी के अंदर हमने असाइन कराया 5, हमने सी बनाया और सी के अंदर हमने असाइन कराया ए प्लस बी, और उसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं सी को। ओके, तो अब F5 रन करते हैं, 11, देखिए हमारे पास आउटपुट आ रहा है 11। क्या हुआ? सबसे पहले एक नंबर, पहली लाइन में क्या हुआ? नंबर असाइन हुआ 6 के अंदर। फिर दूसरी लाइन में क्या हुआ? एक नंबर असाइन हुआ B के अंदर, और एक नंबर जो इन दोनों का सम था, A प्लस A और B का सम था, वो असाइन हुआ C के अंदर, और फिर लास्ट में प्रिंट हुआ C। तो 5 प्लस 6 11, और उसने 11 को प्रिंट कर दिया। ओके, सो वेरिएबल्स जो होते हैं ये भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स हैं, अब इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं। ओके, कोई भी नाम हम इनका रख सकते हैं, बट उस नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या है? द नेम शुड बिगिन विद इन अपर केस और ए लोअर केस अल्फ़ाबेट। जो नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसका नाम दो लिख दें, कोई भी हम नाम लिख दें, जैसे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, और इसका नाम हम लिख देते हैं सेकंड। ओके, तो रूल हमारा क्या कह रहा है? हमारा जो नेमिंग रूल है, फर्स्ट नेमिंग रूल है, वो ये कह रहा है कि वो जो स्टार्टिंग हो उस नेम की, वो या तो किसी अपर केस से हो या लोअर केस से हो, या तो ऐसे ही लिखा हो जैसे मैंने लिखा है, या फिर कैपिटल एफ से हो जाए या कैपिटल एस से हो जाए या स्मॉल एस से, अपर केस से हो या कैपिटल एस से हो, और एन अंडरस्कोर साइन, या फिर अंडरस्कोर के सिंबल से भी आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हमारा वैलिड नहीं है। ओके, अंडरस्कोर से भी आप उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन। अब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, फर्स्ट नंबर कर लीजिए, सेकंड नंबर कर लीजिए, उसके आगे बीच में स्पेसेस आप नहीं दे सकते, स्पेसेस अलाउ नहीं है किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में, आप उसकी जगह अंडरस्कोर लगाइए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, ए टू जेड हम लगा सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड हम लगा सकते हैं, 0 to 9 हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, बट नंबर बिगनिंग में नहीं आएगा। ठीक है, बिगनिंग में या तो अपर केस लेटर आएगा या कोई लोअर केस या फिर अंडरस्कोर। ओके, 10, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विद ए डिजिट। ओके, ये याद रखिएगा अच्छे से, आइडेंटिफायर कैसे स्टार्ट नहीं हो सकता? डिजिट से। इट कैन बी, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वन नंबर, वन फर्स्ट, सेकंड नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता, सेकंड लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल, या यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग है। ओके, ये अलाउ नहीं है, मैं रन करूँगा तो वो एरर हमें जनरेट करके दे देगा, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स। सो नाउ नेक्स्ट, इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है, हाउ एवर इट इज़ प्रेफर्ड टू कीप इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल। मतलब ये प्रेफर्ड करता है, प्रायोरिटी आप इसी चीज़ को देंगे कि वेरिएबल का नेम सिंपल लिखें, छोटा लिखें और एक मीनिंगफुल नेम लिखें। ये नहीं कि आपने ए बी सी लिख दिया, एक्स वाई जेड लिख दिया, कुछ भी लिख दिया चले गए, बात को याद नहीं रहे। ओके, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन टेबल 3.1। यहाँ पे हमने ऊपर जो एक टेबल देखी थी 3.1 में, ये जो कीवर्ड्स हैं ये आप किसी भी आइडेंटिफायर और वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ट्रू नहीं लिख सकते, क्योंकि ट्रू हमारा एक आइडेंटिफायर है, देखिए वो ऑरेंज कलर का हो गया, वो एक आइडेंटिफायर, आप इसे नहीं बना सकते। आप इसको कीवर्ड, क्योंकि ये कीवर्ड है, आप इसको वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, ये भी एरर प्रोड्यूस कर देगा। ओके, अगर चलें ठीक है, ये सेकंड वाले एरर बता रहा है ना, हम इसे सही कर लेते हैं, इसे हमने सही कर दिया, सी में हमने असाइन करा कि आर यू ट्रू, और प्लस कर दिया हमने उसमें बी। हम रन करते हैं प्रोग्राम को, सी दिस कैन नॉट असाइन टू ए कीवर्ड, आप किसी कीवर्ड के अंदर कोई भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। ओके, अब फोर्थ पॉइंट हमारा, वी कैन नॉट यूज स्पेशल सिंबल लाइक नॉट, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, etc फॉर एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बनाने के लिए या वेरिएबल बनाने के लिए आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यूज़ करने की आपको अलाउ है।
फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन थ्री सब्जेक्ट नेमली मैथ्स इंग्लिश इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस ओके वी कैन चूज द आइडेंटिफायर एज हमने पहले वेरिएबल का नाम लिख दिया अपने मैथ्स मार्क्स दूसरे का लिख दिया मार्क्स इंग्लिश तीसरे का लिख दिया मार्क्स आईपी एंड एवरेज निकाल लिया रैदर देन ए बी सी और ए बी सी एज सच अल्फ़ाबेट डू नॉट गिव एनी क्लू अबाउट द डेटा दैट वेरिएबल रिफर टू क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो जब आप प्रोग्रामर कोई दूसरा आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसे मीनिंग समझने में बहुत देर लगेगी कि आपने किस वेरिएबल को क्या नाम दे दिया है इसलिए मीनिंगफुल हम नेम्स दें तो ये बेटर है ओके फिलहाल अभी वेरिएबल्स को हम नहीं पढ़ रहे अभी हमने आइडेंटिफायर्स को देखा है कि आइडेंटिफायर्स के नेम्स कैसे होने चाहिए और वेरिएबल्स भी आइडेंटिफायर्स ही हैं हमारे ठीक है वेरिएबल के आप अगर डेफिनेशन देखें वेरिएबल इज़ एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन चेंज ओके फिलहाल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अभी हमने आइडेंटिफायर ही देखने थे ओके सो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग यू कैन डू कमेंट ओके कमेंट कर दीजिएगा और या फिर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा तब तक के लिए इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल थैंक यू